टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएंट्स ब्लास्ट, यानी ब्लास्ट में कितनी तरह के प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली फैमिली है प्रोग्राम्स की। ब्लास्ट एन है, ब्लास्ट वी है, ब्लास्ट एक्स है, टी ब्लास्ट एन है, टी ब्लास्ट एक्स है। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। ये बेसिकली इमेज जो है ये लिया गया है NCBI की वेबसाइट से, जहाँ पे ब्लास्ट हम करते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन ब्लास्ट है, प्रोटीन ही हमारे पास क्यूरी है और प्रोटीन ही हमारे पास रिजल्ट आ रही है। फिर न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट है, इसमें न्यूक्लियोटाइड ही क्यूरी है और न्यूक्लियोटाइड हमारे पास रिजल्ट आ रही है सीक्वेंसेस। ब्लास्ट एक्स है, ब्लास्ट एन है। ठीक है, अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ब्लास्ट एन। ब्लास्ट एन क्या करता है, इसमें हमारे पास जो क्यूरी सीक्वेंस है वो भी न्यूक्लियोटाइड होती है और हमने उसकी सिमिलर सीक्वेंसेस भी कहाँ पे ढूंढनी होती हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस में। समझ आ गई बात की, क्यूरी भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है और हम सर्च कहाँ पे कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस में ही। ब्लास्ट पी, ब्लास्ट पी में प्रोटीन सीक्वेंस है और हम सर्च कहाँ पे कर रहे हैं, प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस में। ब्लास्ट एक्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ब्लास्ट एक्स में हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या लिया, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ली, उसको ट्रांसलेट कर दिया, उसकी प्रोटीन बना ली, ट्रांसलेटेड प्रोटीन बना ली। ठीक है, उसको हमने क्यूरी यूज़ किया प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में। ज़रा समझने की चीज़ है ये। ब्लास्ट एक्स में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लेते हैं, उसकी ट्रांसलेशन करते हैं प्रोटीन में, उस प्रोटीन जो ट्रांसलेटेड प्रोटीन होती है उसको एज ए क्यूरी यूज़ करते हैं प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में। ठीक है, ब्लास्ट एन में हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोटीन सीक्वेंस लेते हैं और प्रोटीन सीक्वेंस को हम कहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस में। अब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस कौन सी होगी, ये वो होगी जिसमें ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस हैं। जैसे हमने ब्लास्ट एक्स में किया था ना कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ली थी, उसको ट्रांसलेट किया था प्रोटीन्स में। अब यहाँ पे हमने प्रोटीन सीक्वेंस ली है और उसको सर्च कहाँ पे कर रहे हैं, ऐसी न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस में जहाँ पे ट्रांसलेटेड प्रोटीन सीक्वेंसेस मौजूद हैं। उसके बाद ब्लास्ट एक्स है, ब्लास्ट एक्स में हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यूज़ करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, और उसको सर्च करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस में ही, जिसमें सारी सीक्वेंसेस ट्रांसलेटेड होती हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हैं वो ली जो कि ट्रांसलेटेड हैं और उनको उस डेटाबेस में सर्च किया जहाँ पे ऑलरेडी ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस मौजूद हैं। उसके बाद BAL2 सीक्वेंस प्रोग्राम है, इसमें लोकल अलाइनमेंट परफॉर्म की जाती है। ठीक है, दो हम सीक्वेंसेस देते हैं, उनके दरमियान में हमें अलाइनमेंट जो है वो मिल जाती है और आउटपुट जो है वो ग्राफ्स की फॉर्म में आता है। हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं, डायगोनल होते हैं, ये हम एक अलग वीडियो में देखेंगे कि आउटपुट हमारा ब्लास्ट में किस तरह से आता है।